अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है असमतुल्ला और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दी ए आई ओ यू। उम्मीद है तमाम फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो हमारी काफ़ी ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट होने वाली है। हालांकि जिस टॉपिक के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तकरीबन पिछले 2-3 मंथ से मैं इसी के ऊपर वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लेकिन माशाल्लाह दिन ब दिन हमारे सब्सक्राइबर, हमारी फैमिली जो है वो बढ़ती जा रही है और उनके मसाइल को जो न्यू आ रहे हैं उनको भी हल करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। अपडेट ये है कि जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट के अंदर 0 नंबर आए थे या असाइनमेंट में 0 नंबर आए थे, यानी कि 0 वाला जो इशू है वो स्पेशली इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा। उसका सोल्यूशन आप लोगों ने क्या करना है आज की वीडियो के अंदर तफसील से आपको समझाया जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अभी आपने ध्यान से बात समझनी है, जिनके असाइनमेंट में से 0 नंबर हैं, जिनके पेपर में से 0 नंबर हैं, जिनके वर्कशॉप में से 0 नंबर हैं, जिनके क्विज में से 0 नंबर हैं और जिनके वैसे ही 0 नंबर हैं, और इन 0 0 की वजह से आपका जो रिजल्ट है वो फेल है एटलीस्ट। यानी कि इतनी बात का आपको समझ लेगी कि असाइनमेंट में से 0 नंबर हैं और रिजल्ट आपका फेल है, यानी कि सब्जेक्ट आपका रह गया है। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, कुछ बच्चों ने रिजल्ट करेक्शन की एप्लीकेशन दी थी, कुछ ने रीचेकिंग की एप्लीकेशन दी थी, कुछ ने असाइनमेंट से रीचेकिंग की एप्लीकेशन दी थी। उन सारी एप्लीकेशनों के ऊपर जो है वो अक्सर बच्चे जो है वो वेट कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट ठीक होगा, हम पास हो जाएंगे। तो जब तक आप वेट करते रहते हैं आपकी एडमिशन की डेट वहाँ से गुजर जाती है, और फिर जब आपको पता चलता है कि रिजल्ट तो ठीक होना ही नहीं है, फिर आप एडमिशन भेजते हैं। जब अगली दफ़ा एडमिशन ओपन होते हैं, फिर अगले सेमेस्टर में जाकर आपके पेपर होता है, जिसमें आपके 1 से 1.5 साल जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो अभी जितने भी तालिबे इल्म हैं, क्योंकि रिजल्ट का ऑप्शन यूनिवर्सिटी ने अभी ऑन कर दिया है, तो आप लोग अपना रिजल्ट चेक करें आज ही। रिजल्ट चेक करने के बाद देखें, अगर रिजल्ट अपडेट हो चुका है तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, और अगर आपका रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ तो आपने उस सब्जेक्ट का एडमिशन करवा ही देना है, वरना फिर आपको 1 साल नहीं बल्कि 1.5 साल ज़्यादा लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि एक बच्चा आज अपना एडमिशन करवा देता है और कल उसका रिजल्ट अपडेट हो जाता है, परसों अपडेट हो जाता है, 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद अपडेट हो जाता है और वो पास हो जाता है, तो फिर इस वो सब्जेक्ट की फीस रिफंड भी करवा सकता है, फिर दोबारा उसको इसका पेपर या असाइनमेंट्स वगैरह जमा नहीं करवानी पड़ेगी। तो इस हवाले से आप बिल्कुल भी परेशान ना हो और अपना एडमिशन जो है वो करवा दें। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। मिलता है अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।